ये आज हम इसको स्टडी करेंगे कि माइक्रोटोम के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्लेड इसके अंदर एक जनरली आजकल जो सिस्टम डिस्पोजेबल का आ गया, पर ये ट्रेडिशनल सिस्टम है 120 ब्लेड का। इसमें से एक लगा हुआ आता है, ये आपका ब्लेड इस होल्डर में, वैक्स लगी हुई हो सकती है इसके ऊपर या बिना वैक्स के भी हो सकता है। ये जब हम इसको टाइट कर लेंगे तो इट कैन कम आउट, और ये शार्प होना चाहिए, ना हो तो हम इसको इसके ऊपर एमरी से या पानी से ये क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है आपको कि ये इसको ब्लेड के ऊपर, दोनों को ब्लेड के अंदर टाइट करना है, और ये हम वापस इसमें से बाहर निकाल देते हैं। हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स में आता है। इसके अंदर दो तीन एडजस्टमेंट्स हैं, एक ऐसे एंगल है और एक ये आपको यहाँ से सेंटर में यहाँ से स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलेंगे तो ये यहाँ से आगे पीछे जा सकता है। ये जब हम इसका एंगल यहाँ से हम टाइट कर देते हैं और इस एंगल को ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये इसके साथ यहाँ से कटता हुआ ब्लेड बिल्कुल जो ब्लॉक आपने लगाया है उसको टच करता हो। वैक्स का ब्लॉक हमने लगाना है, जो वैक्स का ब्लॉक लगाने के लिए हम इस ब्लॉक होल्डर के ऊपर वैक्स डालते हैं, फिर रेक्टेंगुलर या रूम ब्लॉक जो भी आपने बनाया हुआ है, अगर वैक्स कॉलम से बनाया हुआ है तो उसको हम इसके ऊपर वैक्स के ऊपर गर्म करके अटैच कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं, ये एंगल यहाँ से एडजस्ट करने के लिए है, ये टाइट करने के लिए। जब ये सारी सेटिंग हो जाती है तो उसके बाद ये व्हील, जनरली ये व्हील अलग हो मिलता है यहाँ से, ये इसका लॉक है, सभी के यहाँ मैक्सिमम माइक्रोटोम्स में लॉक हटा हुआ आता है, ये इसके साथ होना चाहिए इस व्हील के ऊपर। जब हम इसको मूव करेंगे ऐसे तो ये देखिए आवाज़ आ रही है टक टक टक। दो लॉक आते हैं, एक लॉक यहाँ पे ये है, फर्स्ट लॉक इज दिस, जनरली ये लॉक होता है, इसको भी ओपन करना है यहाँ से तभी चलेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करता ऐसे, ये हमने मूव करा तब चला। और एक ये वाला लॉक हमने ऐसे आता है, ये हम इसको हटा के आगे कर लेते हैं। मैक्सिमम माइक्रोटोम्स में प्रॉब्लम आती है कि लोगों को ये लॉक नहीं करा होगा, अगर ये आगे नहीं होगा तो ये मूव करने के लिए होता है, सिर्फ ये सिर्फ मूव करेगा ब्लॉक आगे से पीछे। मैं आपको भी दिखाता हूँ, जब हम ब्लॉक बना रहे हैं ये आवाज़ कर रहा है मगर ये मूव नहीं कर रहा, ये व्हील देखिए बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, मगर अगर इसको हम यहाँ करके रखते हैं तो ये देखिए स्लोली आप देख सकते हो, ये यहाँ से देखो ये आगे गया, और इसकी कितनी मूवमेंट होनी है ये हम आगे के माइक्रोन से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 माइक्रोन्स थिकनेस, 25 माइक्रोन्स, कितना थिक हमने सेक्शन काटना है, मान लो 5 माइक्रोन का काटना है यहाँ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ आप आगे की मूवमेंट से, ये इसके व्हील्स के एंगल्स हैं, ये कितना ये कटेगा, मैंने इसमें 5 माइक्रोन्स कर दिए तो 5 स्टेप्स एक साथ लेगा, ये देखिए से दिखा, यहां से देखिए अब ये मूव कर रहा है तो ये देखिए 5 स्टेप्स लिए इसने, अगर मैं 10 पे ले जाता हूं तो ये 10 स्टेप्स लेगा, ये देखिए ये। अब सबसे पहले इसकी सेटिंग है ब्लॉक की, यहां से ब्लॉक एडजस्ट कर लेना, जहां तक ब्लेड का एंगल है वो एडजस्ट कर लेना यहाँ से, और उसके बाद इसको लॉक कर देना यहाँ से नीचे से, इसके साथ आपके पास की प्रोवाइडर रहती है, उसकी की भी रहती है, यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, ये हिलेगा नहीं उस समय। और ये ब्लॉक हम सबसे पहले इसको ओपन करके हम स्लोली इसको मूव करके ये यहाँ से आगे कर सकते हैं, या हम यहाँ से ब्लॉक को थोड़ा सा लूज़ करके जितना जरूरत हो वहाँ ले जाके छोड़ सकते हैं ताकि कटिंग शुरू हो जाए। जब ये कट करना शुरू करेगा ये मूव हो रहा है इस समय, ये वाला देखिए इस समय मूव नहीं हो रहा था, ये मैंने करा तो मूव होना शुरू हो जाएगा, स्लोली ये आगे चलता जाता है धीरे 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 धीरे, पर कुछ रीडिंग्स के बाद आपको ये ओपन करके फिर इसको वापस करना होता है नया ब्लॉक लगाने के लिए, आपको ऐसे इसको मूव करना है। ये देखिए यहाँ से अब आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ, इस साइड से ये वाला पार्ट जो है ये आप देखिएगा, इससे ये मैं मूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ से पीछे की तरफ आ रहा है ये,
और ऐसे करते आएंगे तो ये आगे चलता जाएगा। तो एक जब उसका एडजस्टमेंट ज़्यादा आगे तक चला जाएगा तो फिर वापस लाना पड़ता है ताकि दोबारे नेक्स्ट आपको सेक्शन में काम हो सके। कोई ज़रूरत हो आप हमें ईमेल लिखिए, हमारी वेबसाइट विजिट करिए, डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। आजकल डिस्पोजेबल ब्लेड्स के साथ भी सिस्टम आ गए हैं, वी हैव गॉट दिस यूजफुल। प्लीज़ राइट टू अस एन ईमेल abron01@gmail.com और आपको बड़ी इजीली सेटिंग करनी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।